मेरा ये मानना है कि CFA में अराउंड 9 months का समय लेना चाहिए कैंडिडेट्स को, अगर वो L1 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो. वंस यू आर इन अ टाइम रश, यू फॉरगेट अबाउट द एक्सेलेंस पार्ट, यू जस्ट स्टार्ट थिंकिंग अबाउट मार्क्स, यू जस्ट स्टार्ट थिंकिंग अबाउट हाउ टू नेल डाउन दिस कॉन्सेप्ट इन द फास्टेस्ट मैनर एंड क्लोज इट एंड मूव अहेड. नाउ स्टूडेंट स्टार्ट थिंकिंग कि यार ये फ्रेशर बुक से उठा के श्वेजर से रट लेते हैं चीज़ों को और हमारा काम बन जाएगा. अगर कुछ चीज़ें नहीं समझ आ रही तो यूट्यूब पे जाके किसी समरी वीडियो को, किसी क्रैश कोर्स को ऊपर ऊपर से देख लेते हैं. नो बॉस, दिस डजंट रियली वर्क. हेलो माई डियर CFA कैंडिडेट्स, आज एक छोटी सी एक्सरसाइज करते हैं. अपने आसपास में कोई चार्टर्ड अकाउंटेंसी या UPSC या IT के कैंडिडेट को ढूंढो और उससे पूछो कि उसके एग्जाम का एवरेज पास परसेंटेज क्या जाता है. यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट ये परसेंटेज शायद 1% से कम हो. ऑन एन एवरेज लेस देन 1% पीपल विल बिकम प्रोबेबली IITians, लेस देन 1% विल बिकम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, एंड UPSC की तो बात ही छोड़ दो. अब CFA का पास परसेंटेज कितना जाता है? अराउंड 40-50% अक्रॉस लेवल्स. लेवल 1, 2, 3 तीनों का पास परसेंटेज ऑलमोस्ट 40-50% है. सर आप कहाँ कहाँ की बातें कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल, आई एम कमिंग टू द पॉइंट. जस्ट थिंक अबाउट इट वंस. अगर पास परसेंटेज 40-50 के बीच में लाई कर रहा है, फिर भी कुछ लोग अपना एग्जाम क्यों टैंक करके आ रहे हैं? क्यों फिर भी बहुत सारे कैंडिडेट CFA को एक बहुत मुश्किल एग्जाम मानते हैं? आंसर बहुत सिंपल है दोस्त. ये 3 कैटेगरीज ऑफ मिस्टेक हैं जो कैंडिडेट्स कर रहे होंगे तभी उनको ये एग्जाम मुश्किल लग रहा है. लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, इफ अ कैंडिडेट फाइंड्स CFA एग्जामिनेशन टू बी डिफिकल्ट, देन दिस कैंडिडेट मस्ट बी डूइंग वन ऑफ द मिस्टेक्स दैट आई एम जस्ट अबाउट टू डिस्कस. मैं आपसे 8 मिस्टेक्स डिस्कस करूंगा जिनको मैंने 3 कैटेगरीज या 3 बकेट्स में डिवाइड किया है. अगर आप इन 8 मिस्टेक्स से बच जाओ तो मैं शर्त लगा के बात कह सकता हूँ कि आप अपना लेवल 1 पास ही नहीं करोगे. यू विल प्रोबेबली जस्ट किल इट, नेल इट डाउन. यू विल बी इन द टॉप 1% लीव असाइड 9-10%. आइए डिटेल में इन तीनों की तीनों कैटेगरीज, तीनों की तीनों बकेट्स का डिस्कशन करते हैं. बकेट नंबर 1, द मिस्टेक्स दैट आर डन बाय द कैंडिडेट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्रिपरेशन. कैटेगरी नंबर 2, मिस्टेक इन द लास्ट 1 month, लास्ट 15 days. कैटेगरी नंबर 3, मिस्टेक ऑन द एग्जाम डे और इनसाइड द एग्जाम हॉल. एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आपके स्क्रीन पे सारी की सारी मिस्टेक्स एक बार में डिस्प्ले हो रही होंगी. मैं एक एक करके सबके बारे में डिटेल में डिस्कशन आपसे करूंगा. प्लीज वीडियो को एंड तक के देखिएगा. जो लास्ट मिस्टेक डिस्कस करने वाला हूँ, आई नेवर एक्सपेक्टेड दैट समवन विल टैंक देयर एग्जाम बिकॉज ऑफ सच रीजंस. आई थॉट दैट दोज आर सिली बट आई वॉज रॉन्ग. एक्चुअली बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो ऐसी गलतियां करते हैं, तो लेट अस मेक श्योर कि हम ये सब कुछ बहुत अच्छे से सुने और हम ये गलती अपनी CFA जर्नी में ना करें. आइए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं. मैं मिस्टेक नंबर 1 की बात कर रहा हूँ फर्स्ट कैटेगरी से, दैट इज इन एडिक्वेट प्रिपरेशन टाइम. मेरा ये मानना है कि CFA में अराउंड 9 months का समय लेना चाहिए कैंडिडेट्स को अगर वो L1 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो. ये 9 months सबके लिए एडिक्वेट होंगे. हाँ इनके कुछ एक्सेप्शंस हैं. मान लीजिए अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं या आप CA फाइनल में हैं या आपने CA की जैसी पढ़ाई का बहुत सारा रिगर देखा है. लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, इफ़ यू हैव स्टडीड FSA, इफ यू हैव स्टडीड इक्विटी और कॉर्पोरेट इशुअर्स एट अ वेरी गुड लेवल इन अनदर सब्जेक्ट, देन प्रोबेबली ये 9 months के बदले ये समय 4-5 महीने का भी हो सकता है, 6 महीने का हो सकता है, दैट वुड बी गुड. ऑल्टरनेटिवली लेट्स से इफ़ योर क्वांटिटेटिव एबिलिटी इज़ वेरी गुड, आपने क्वांट, इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स जैसी बहुत सारी चीज़ें पढ़ रखी हैं, तो हाँ शायद 6 महीने में भी अटेम्प्ट किया जा सकता है. बट जनरली स्पीकिंग मुझे लगता है 9 months इज द स्वीट स्पॉट. सर आप इतना हाईलाइट करके क्यों कह रहे हो? आई टेल यू, मेरी क्लासेस अराउंड 4-5-6 महीना चल जाती हैं. अराउंड 50 classes का टोटल करिकुलम रहता है हमारा. वॉट स्टूडेंट्स डू इज दैट उन्होंने एग्जाम पहले ही फिल कर दिया होता है एंड देन दे एनरोल फॉर द क्लासेस, कम टू मी फॉर प्रिपरेशन, एंड देन वंस दे स्टार्ट स्टडिंग इन द क्लास दे आर इन अ टाइम रश. उन्हें कॉन्सेप्ट समझ तो आ रहा है बट उनका ध्यान इस चीज पे है कि मुझे ये जल्दी से जल्दी खत्म करना है. सो दे एक्चुअली वॉन्ट मार्क्स विच इज नॉट द राइट वे ऑफ स्टडिंग. मैं बहुत बार कहता हूँ, वो डायलॉग सुना होगा आपने, किसी महापुरुष ने कहा है ना, सक्सेस के पीछे नहीं एक्सेलेंस के पीछे भागो.
Now what happens is that once you are in a time rush, you forget about the excellence part. You just start thinking about marks, you just start thinking about how to nail down this concept in the fastest manner and close it and move ahead. Ye close it and move ahead doesn't really work. What works is you mastering the concept in order to learn, in order to be a better professional, be a better individual. Ye nahi karte hain log. Dusri cheez, CFA ki journey mein around 1 to 2 months तो करिकुलम से वाकिफ होने में लग जाता है. आप जनरली देखेंगे तो बहुत सारा टेक्स्ट है. देर इज समथिंग कॉल्ड अ रिफ्रेशर बुक लाइक श्वेजर और समथिंग. देन देर इज सी बुक, कैंडिडेट रिसोर्सेज, जो क्लास में मटेरियल दिया जाता है वो. इतने सारे क्वेश्चंस हैं, 10 subjects हैं, सबका एग्जाम एक दिन पर होता है. वॉट हैपन्स इज दैट ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो इंडिया में CFA अटेम्प्ट कर रहे हैं, दोज आर इन कॉलेज, तो उनके लिए पहली बार प्रोफेशनल एग्जाम देने का एक्सपीरियंस CFA ही है. For someone who is a chartered accountant, for someone who has done, let's say, a big time MBA from an IIM stuff, उनके लिए फिर भी level 1 थोड़ा सा less rigorous है, because उन्होंने बहुत सारे घंटे एक दिन में पढ़ाई करके पहले experience किए हुए हैं. But generally वो students जिन्होंने भी 1-2 साल पहले 12th दिया, अभी BCom या BAF या Bachelor's in Finance या Economics Honors ऐसा कुछ कर रहे हैं, उनकी आदत दिन में 2-3 घंटे से ऊपर पढ़ने की है नहीं. इस वजह से what happens is that आप शुरू के 1.5-2 महीना खो देते हो इन अंडरस्टैंडिंग द वर्ल्ड ऑफ CFA. नाउ आपने एग्जाम पहले ही भर दिया था, 6 months का टोटल टाइम फ्रेम था, 2 महीने वेस्ट हो गए, अब 4 महीने बचे हैं, समझ तो आ गया क्या पढ़ना है, लेकिन अब डर लग रहा है कि क्या ये कंप्लीट हो पाएगा. देन स्टूडेंट स्टार्ट टेक्स्टिंग मी एंड आस्किंग मी कि क्या सर आपको लगता है कि मैं अटेम्प्ट दे पाऊंगा या मुझे पोस्टपोन कर देना चाहिए. इस वजह से मेरा ये मानना है 9 months भरो, आराम से प्रिपरेशन करो, एक्सेलेंस प्राप्त करो, एंड देन जस्ट मूव अहेड टू लेवल 2 एंड व्हाट नॉट. द सेम थिंग गोज फॉर समवन हु इज अ वर्किंग प्रोफेशनल एज वेल. सोच के देखो क्या एक वर्किंग प्रोफेशनल के लिए पॉसिबल है दिन में 6 घंटा पढ़ना. द आंसर इज नो. टोटल मिला के 800 से 1000 घंटे, लेट्स से 700-800 तो चाहिए ही होगा. 700-800 hours का प्रिपरेटरी टाइम तो चाहिए ही चाहिए. एक वर्किंग प्रोफेशनल क्या 4-5-6 महीने में अरेंज कर लेगा अलॉन्ग विद अ फुल टाइम जॉब? आई डोंट थिंक सो. तो वेदर यू आर अ वर्किंग प्रोफेशनल और यू आर अ व्हाट डू यू कॉल अ कॉलेज गोइंग स्टूडेंट, 9 months इज द टाइम दैट यू शुड टेक टू अपियर फॉर लेवल 1 एग्जाम्स. मूविंग टू मिस्टेक नंबर 2, इन एडिक्वेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट्स. मतलब चीजों को ऊपर ऊपर से जानना, डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग, इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग ना लेना. The biggest reason behind this is studying from some mota-mota sort of refresher books. एक बार सोच के देखिए, क्या आप ऐसे किसी डॉक्टर के पास अपना इलाज कराना चाहोगे जो ऊपर ऊपर से पढ़ाई करके आया हो, जिसकी नॉलेज बहुत ज़्यादा इंट्रिकेट ना हो? The answer is no. तो एक बार सोच के देखो, अगर आप कल जाके बड़ी बड़ी कंपनियों में CFO टाइप की पोजिशन लेने वाले हो, बिगेस्ट कंसल्टिंग फर्म्स में बिगेस्ट कंसल्टेंट बनने के लिए एस्पायर कर रहे हो, तो हाउ वुड शैलो नॉलेज हेल्प यू रीच दैट पोजिशन? अच्छा एक बार सोच के देखो, वाई वुड समवन वॉन्ट टू स्टडी जस्ट एट अ सुपरफिशियल लेवल एंड नॉट फ्रॉम द इंट्रिकेट स्टैंड पॉइंट? द बिगेस्ट रीजन बिहाइंड दिस इज कि आपने एग्जाम भर दिया 6 months बाद, स्केड्यूल कर चुके हो पहले ही, अब आपके पास समय बचा है सिर्फ 3 महीने का. नाउ स्टूडेंट स्टार्ट थिंकिंग कि यार ये फ्रेशर बुक से उठा के श्वेजर से रट लेते हैं चीज़ों को और हमारा काम बन जाएगा. अगर कुछ चीज़ें नहीं समझ आ रही तो YouTube पे जाके किसी समरी वीडियो को, किसी क्रैश कोर्स को ऊपर ऊपर से देख लेते हैं. नो बॉस, दिस डजंट रियली वर्क. इफ यू रियली वॉन्ट टू बिल्ड अ मैसिव करियर इन फाइनेंस, द ओनली वे इज टू स्टडी कॉन्सेप्ट्स इन डिटेल एज इफ योर लाइफ डिपेंड्स ऑन इट. दैट इज इट. लेट्स मूव टू मिस्टेक नंबर 3, निग्लेक्टिंग एथिक्स. एथिक्स इज वन सब्जेक्ट जो अक्रॉस 3 levels आने वाला है आपके पास. मोटा मोटा 15-20% होल्ड करता है अक्रॉस 3 levels. हर लेवल में 15-20% की वेटेज है. स्टूडेंट्स जनरली पढ़ते कैसे हैं इसे? दे पिक अप द रिफ्रेशर बुक, उसमें 40-50 pages में सारे के सारे स्टैंडर्ड्स को कवर किया होता है. वो 2 दिन में उठा के 40-50 pages पढ़ लेते हैं, इफ नॉट 2 days प्रोबेबली अ वीक, एंड देन दे थिंक दैट दे आर ऑन टॉप ऑफ इट. अब इनफैक्ट स्टूडेंट्स कम टू मी सेइंग सर हमें तो एथिक्स कम सिर्फ इंग्लिश का प्ले ज़्यादा लग रहा है. इट्स लाइक अ प्ले ऑन द लैंग्वेज. इफ यू कैन गेट होल्ड ऑफ द लैंग्वेज यू विल प्रोबेबली डू वेल. द आंसर इज नो, ऐसा बिल्कुल नहीं है. द ओनली करेक्ट वे ऑफ स्टडिंग एथिक्स इज
you get into the detail. And how do you do that? Refer candidate resources. मैं बाकी के 9 subjects में suggestion नहीं देता हूँ कि जाके पूरी की पूरी candidate resources, पूरी की पूरी सी बुक, सी एफ ए वाली बुक को पढ़ो, मैं ऐसा नहीं कहता हूँ. बट एथिक्स इज वन सब्जेक्ट जो मेरे ख्याल से एक हफ्ते में पूरा का पूरा रिफ्रेशर बुक से नहीं पढ़ना चाहिए. रादर 6 to 8 मंथ्स में धीरे धीरे डेली की डेली 30 to 40 मिनट्स पढ़ना चाहिए. और कौन सी बुक से पढ़ना चाहिए? सी एफ ए की बुक से. तो कैंडिडेट्स क्या मिस्टेक कर रहे हैं? एक तो एक हफ्ते में खत्म कर रहे हैं, दूसरा सोर्स भी गलत यूज कर रहे हैं, श्वेजर या कोई रिफ्रेशर बुक पढ़ रहे हैं. आई एम नॉट अगेंस्ट श्वेजर, बट मुझे लगता है वहां पे टू समराइज्ड अ वे द होल कॉन्सेप्ट्स आर रिटन. तो इंस्टेड ऑफ स्टडींग फॉर अ वीक, स्टडी इट अक्रॉस 6 months, स्टडी इट अक्रॉस 4 months ऑन अ डेली बेसिस. गिव इट प्रोबेबली 30-40 मिनट्स एंड यू शुड डू वेल. सोर्स की अगर बात की जाए तो डू नॉट ट्रस्ट एनी थर्ड पार्टी रिसोर्स. इनफैक्ट डू नॉट ट्रस्ट इवन माई बुक, डू नॉट ट्रस्ट एनी कोचिंग इंस्टीट्यूट बुक. जस्ट ट्रस्ट द सी बुक, द कैंडिडेट रिसोर्सेज फॉर दिस. यू विल थैंक मी सम डे फॉर दिस सजेशन, ट्रस्ट मी. लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट मिस्टेक, लैक ऑफ हैंड प्रैक्टिस एंड मॉक्स. सुनना सर, वॉट यू मीन बाय द वर्ड हैंड प्रैक्टिस? मैंने बहुत बार स्टूडेंट्स को ऑब्जर्व किया, जब कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करने का टाइम आता है तो आई सी दैट स्टूडेंट्स पिक अप अ बुक, मे बी अ श्वेजर, मे बी अ सी बुक, मे बी अनदर रिफ्रेशर बुक, और वो उसमें क्वेश्चन को पढ़ते हैं और उसके बाद आंसर ऑब्जर्व करते हैं. हाथ में पेन या पेंसिल ली होती है और टिक मार रहे होते हैं. सो वॉट स्टूडेंट्स आर डूइंग इज दैट स्टूडेंट्स आर ऑडिटिंग अ सॉल्यूशन. दिस इज नॉट राइट. डू हैंड प्रैक्टिस वेन एवर यू आर सॉल्विंग अ क्वेश्चन. बी ऑनेस्ट टू योर सेल्फ, आप उसके आंसर को छुपा दें, हाथ से खुद सॉल्व करें. आंसर आने के बाद बुक में आंसर को टैली करें. अगर वो आंसर गलत है तो क्या गलती थी वो वहीं पर ही नोट करें. मेक एन एरर लॉग, दिस इज द राइट वे ऑफ गोइंग अबाउट इट. अगर आप ऐसे क्वेश्चंस को ऑडिट करते जाओगे तो पता है क्या होगा? व्हाट विल हैपन इज दैट योर माइंड विल टेल यू दैट ओके हाँ हाँ सब समझ आ रहा है, हाँ हाँ ऐसे ही तो करना है. बट इन द एग्जाम आपका हाथ चलेगा ही नहीं क्योंकि आपका कन्विक्शन डेवलप नहीं हुआ अभी तक के खुद पे. तो दिस वॉज अबाउट लैक ऑफ हैंड प्रैक्टिस. सेकेंड इज लैक ऑफ मॉक्स. स्टूडेंट जनरली इतना डीप जाते हैं अपनी प्रिपरेशन में, मतलब एग्जाम से हफ्ते 10 दिन पहले भी कोर्स नहीं कंप्लीट हुआ होता है, इस वजह से वो जनरली मॉक्स दे ही नहीं पाते हैं. इनफैक्ट इफ यू आस्क मी आई विल से दैट मॉक्स देने का सबसे सही समय एग्जाम से 1.5 महीना पहले. लास्ट 1 month में तो वैसे भी मॉक्स देने ही नहीं चाहिए. लास्ट 1 हफ्ता 10 दिन पहले मॉक्स देने से ये रिस्क है कि आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे, मॉक्स को अटेम्प्ट करोगे, अगर आपका स्कोर टैंक कर गया, कम आया मॉक्स में, नाउ यू आर इन अ फियर. आपको लग रहा है यार मॉक्स में ही 50%, 60%, 65% आ रहे हैं, एग्जाम कैसे क्लियर होगा. तो मॉक्स देने का सही समय है एग्जाम से 1 महीना पहले. और मॉक्स अच्छे तभी होंगे जब आपने बहुत सारे हैंड प्रैक्टिस कर रखे हैं क्वेश्चंस को. सो दिस वॉज अबाउट द कंप्लीट फर्स्ट बकेट, नथिंग मोर टू एड इट माई एंड. मूविंग टू द नेक्स्ट बकेट, बकेट नंबर 2 नाउ.